हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं DCA सेकंड सेम का जो पेपर है इंटेंट और ई कॉमर्स उसकी यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 3 जावास्क्रिप्ट के बारे में है। तो चलिए पहले मैं आपसे इसका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। दोस्तों, इसके सिलेबस में है जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू, सिंटैक्स एंड कन्वेंशंस, वेरिएबल एक्सप्रेशंस, ब्रांचिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा फंक्शन एंड अरेज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, अलर्ट प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा सिलेबस जो है मैंने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोस्तों, वेब पेज के डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहली लेयर है स्ट्रक्चर, दूसरी लेयर है प्रेजेंटेशन और तीसरी लेयर है बिहेवियर। वेब पेज कैसे बनाए, उसका स्ट्रक्चर क्या कैसा है, वो डिसाइड होता है HTML से। ठीक है दोस्तों, जो उसका प्रेजेंटेशन है वो कैसा दिख रहा है वो डिसाइड होता है CSS से, और वो किस तरीके से काम कर रहा है वो डिसाइड होता है जावास्क्रिप्ट से। अगर मैं वेब पेज को एज ए बिल्डिंग के रूप में देखूं कि वेब पेज एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होगा HTML से। जो उसका बाहर का एलिवेशन वगैरह है, जो बाहर का आउटर लुक है, वो डिसाइड होगा CSS से। वो बिल्डिंग के अंदर काम क्या हो रहा है, या किस तरह से वो बिल्डिंग बिहेव कर रही है, किस तरह से वो वेब पेज बिहेव कर रहा है, यह डिसाइड होगा जावास्क्रिप्ट से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट क्या होती है। तो दोस्तों, वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, और ये वेब पेजेस 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है स्टैटिक वेब पेज, दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज। इन दोनों को ही मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वेब पेज काम कैसे करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैं कंप्यूटर पे हूँ या एक मोबाइल से मैंने गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को डाला, जैसे www.yahoo.com या mponline.com या कुछ भी। तो दोस्तों, वो जो हमारा हम जो डालते हैं एड्रेस बार में, जो एड्रेस हम लोग डालते हैं एड्रेस बार में, वो एड्रेस कन्वर्ट हो जाता है रिक्वेस्ट के अंदर, और वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पर। जब वो वेब सर्वर पे जाती है तो वो उस वेबसाइट के मेन पेज को या इंडेक्स पेज को सर्च करती है या लोकेट करती है। जब वो मेन पेज या इंडेक्स पेज सर्च हो जाता है तो वो जो पेज है उसके अंदर जो भी स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है वो स्क्रिप्ट इंजन द्वारा प्रोसेस की जाती है, मतलब स्क्रिप्ट इंजन द्वारा वो कंपाइल किया जाता है पेज, और उसको जनरेट कर दिया जाता है HTML के रूप में। क्योंकि नेट पे HTML ही ट्रैवल करता है, HTML पेज ही ट्रैवल करते हैं, इसलिए वो पूरा कंटेंट जो है HTML में ट्रांसलेट कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है वहाँ पर जहाँ से कि रिक्वेस्ट आई है। अभी रिक्वेस्ट यहाँ से आई थी, तो इन्होंने वहाँ पे जितने भी स्क्रिप्ट इंजन थे उसको HTML में कन्वर्ट किया। स्क्रिप्ट इंजन ने पूरे पेज को HTML में कन्वर्ट किया और क्लाइंट कंप्यूटर पे भेज दिया। ठीक है, इस क्लाइंट कंप्यूटर पे जो HTML आई है ये रिसीव होती है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र उस पूरी HTML को रिसीव करता है और उसको दोबारा से कंपाइल करता है, और जो डिस्प्ले और जो भी मतलब जो प्रोसेस करता है या कंपाइल करता है, अपन दोनों चीज़ें बोल सकते हैं कि ब्राउज़र उसको प्रोसेस करता है, उस HTML को प्रोसेस करता है और वेब पेज के अंदर आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर देता है। तो मतलब जो आप वेब पेज के अंदर देखते हो ना, वो जो है वो पूरा कहाँ से उठ के आता है, वो वेब सर्वर से उठ के आता है। और वो वेब सर्वर पे क्या है, वो वेब सर्वर पे सारे पेजेस रखे हुए हैं। वो पेजेस कैसे भी हो सकते हैं, वो स्टैटिक वेब पेज भी हो सकते हैं, डायनेमिक वेब पेज भी हो सकते हैं। और जो उन पेजेस के अंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट इंजन द्वारा कंपाइल की जाती है और HTML में जनरेट की जाती है। उस HTML को हमारे क्लाइंट पे भेजा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा वेब पेज का पूरा सिनेरियो काम करता है, किस तरह से हमारी वेबसाइट्स काम करती हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ऐसे आपको बताया कि वेबसाइट में दोनों तरह के पेजेस होते हैं, वेब सर्वर पर दोनों तरह के पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस भी होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक वेब पेज के बारे में। तो स्टैटिक वेब पेज स्टैटिक होते हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उनमें चेंज नहीं होती, मतलब वो यूज़र से इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। जो कंटेंट उसमें लिख दिया गया है हमेशा वही कंटेंट डिस्प्ले होगा, जब तक कि वेब डेवलपर नहीं चाहेगा
उसको चेंज करना, मतलब अगर वेब डेवलपर, मतलब कोई भी वेब डेवलपर नहीं, जिसने वो वेबसाइट डेवलप करी है, अगर वो चाहेगा तो ही इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, तो ही कंटेंट चेंज होगा, नहीं तो हर बार वही कंटेंट डिस्प्ले होगा जो एक बार लिख दिया गया है। इन वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML और CSS की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो मेन पेज बनते हैं वो HTML और CSS से बनते हैं, और वो हमारे जो पेजेस होते हैं वो हमारे स्टैटिक वेब पेज कहलाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये स्टैटिक होते हैं, इसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए इनकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है डायनेमिक वेब पेज की अपेक्षा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैटिक वेब पेज किस तरह से काम करते हैं वो समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ डायनेमिक वेब पेज के ऊपर। तो डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेजेस होते हैं जो लगातार फंक्शनल होते हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं। इन वेब पेजेस को बनाने के लिए आपको HTML के साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों डायनेमिक वेब पेज क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं क्लाइंट लेवल पे और सर्वर लेवल पे। मतलब हम डेटा जो होगा वो क्लाइंट लेवल पे प्रोसेस होगा और सर्वर लेवल पे प्रोसेस होगा, और सभी अधिकतर जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी वेबसाइट्स में दोनों स्टैटिक वेब पेजेस भी होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस भी होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये डायनेमिक होते हैं इसलिए इनको लोड करने में ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों ये तो थे मेरे दोनों पेजेस के, डायनेमिक वेब पेज कैसे काम करते हैं और स्टैटिक वेब पेज कैसे काम करते हैं। अब मैं चलता हूँ आगे। अब दोस्तों मैं आता हूँ जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को नेटस्केप ने बनाया था, उसको सबसे पहले लिव वायर कहा गया, बाद में इसको लिव स्क्रिप्ट कहा गया। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को मैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों क्लाइंट साइड वो होती है जो ब्राउज़र पे या क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट हो जाती है, और सर्वर साइड लैंग्वेज वो होती है जो वेब सर्वर पे रन होती है। तो दोस्तों मैं जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड से भी और सर्वर साइड से दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को बनाया इसलिए गया था कि आपके जो HTML पेजेस हैं वो इंटरेक्टिव नहीं थे, उनको इंटरेक्टिविटी लाने के लिए, उसमें इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया था। दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट HTML पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। दोस्तों हम जावा स्क्रिप्ट को HTML पेजेस के अंदर डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये बहुत हल्की लैंग्वेज है, लाइट वेट लैंग्वेज है, इसलिए इसका उपयोग करने से पेज हैवी नहीं होता, अर्थात पेज जल्दी ब्राउज़र में लोड हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था मेरा जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अब चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट को मैं किस तरीके से HTML के अंदर एम्बेड कर सकता हूँ या लिंक कर सकता हूँ। दोस्तों इसके तीन तरीके होते हैं, पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है एम्बेड, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब होता है इनके सिंगल लाइन के अंदर जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर रहा हूँ, एक्सटर्नल का मतलब होता है किसी भारी फाइल का यूज़ करके मैं जावा स्क्रिप्ट को HTML के अंदर एम्बेड कर रहा हूँ, और एम्बेड का मतलब होता है कि मैं टैग का यूज़ करके HTML पेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड कर रहा हूँ। इन तीनों तरीकों को मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं इनलाइन के ऊपर कि इनलाइन एक लाइन में हम कैसे जावा स्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि मैंने एक इनपुट बटन लिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्लिक मी है, और उस क्लिक मी पे होगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिया हुआ है, ये मेरा इवेंट है, ये अपन लोग HTML में भी पढ़ते थे। इस ऑन क्लिक मतलब बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये इनलाइन है दोस्तों, ये इनलाइन है अपना, और ये मेरा अलर्ट है। तो अलर्ट क्या करेगा, एक मैसेज बॉक्स देगा। जावास्क्रिप्ट में मैसेज बॉक्स देने के लिए आप अलर्ट का यूज़ करते हो, तो आपको एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा हेलो वेलकम करके। तो दोस्तों इस तरीके से ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है, मैंने एक लाइन के अंदर जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर एम्बेड कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसको आपको चला के रन करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो सकें। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है एग्जांपल को टाइप कर लिया है, कॉपी कर दिया है, और मैं इसको यहाँ पे सेव भी कर चुका हूँ .html को। पेज को हमको .html से सेव करना है .html एक्सटेंशन से, तो इस पेज को मैं सेव भी कर चुका हूँ, और मैंने ये वही प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी किया है जो भी प्रेजेंटेशन में था। अब दोस्तों मैं इसको रन करवाने जा रहा हूँ। देखिए जब मैंने इसको रन करवाया तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो इस तरह से आया है। यहाँ पे ये मेरा जो है क्लिक मी एक बटन बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट था वो रन हो गया, और यहाँ पे मेरा जो है एक मैसेज बॉक्स है, एक अलर्ट बॉक्स आ गया है माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये इन स्क्रिप्ट, ये सिंगल लाइन के अंदर जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखा है, कॉलन लगाया हुआ है, कॉलन कंपलसरी है। जब भी आप इस इनलाइन का यूज़ करेंगे कॉलन का यूज़ कंपलसरी है। तो जावा स्क्रिप्ट लगाया आपने, कॉलन लगाया, फिर जो भी आपको लिखना है, जो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखना है आपको, वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप।
दोस्तों जो अगला एग्जांपल है वो है एम्बेड जावा स्क्रिप्ट का। तो दोस्तों हम जब भी एम्बेड जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो जब हम एम्बेड जावा स्क्रिप्ट का यूज़ एचटीएमएल में करेंगे तो हम यहाँ पर दो टैग दे देंगे, वो टैग रहेगा स्क्रिप्ट टाइप। ये देखिए ये टैग रहेगा स्क्रिप्ट टाइप और यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है आपको, जावा स्क्रिप्ट लिखना है और टैग यहाँ पर बंद हो जाएगा और जो भी आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा। तो जब ये टैग HTML कंपाइलर को मिलेगा तो वो इसकी प्रोसेसिंग, इसकी जो कंपाइलेशन है वो जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करेगा। तो स्क्रिप्ट टाइप ये टैग आपका यूज़ होगा और ये स्क्रिप्ट को बंद करने के लिए यहाँ पे ये टैग यूज़ होगा, बाकी बीच में यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ जाएगी। दोस्तों अगली जो स्टाइल है वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। अब दोस्तों जब भी हमको जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल में इम्प्लीमेंट करना है तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक सोर्स फाइल बना लेते हैं। उस सोर्स फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .js होता है, इसका मतलब वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है। तो हमारे यहाँ पे जो सिंटैक्स रहेगा वो ऐसा रहेगा कि स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे ले लिया, स्क्रिप्ट टाइप सेम वही जो आपका एम्बेड वाला था, ठीक है। बस यहाँ पे आपको सोर्स लगाना है src=greeting, और यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सोर्स बन जाएगी, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे तीनों तरीके हो गए जिन तीनों तरीकों से मैं HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को ले सकता हूँ। पहला मैंने आपको इनलाइन बताया, दूसरा आपको एम्बेड बताया, तीसरा आपको मैंने एक्सटर्नल बताया। दोस्तों HTML में जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करने के दो पॉपुलर तरीके हैं, एक तो है जावास्क्रिप्ट टैग द्वारा जो जिसको हम एम्बेड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल फाइल द्वारा जिसको हम एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों मैं अभी इनिशियली आप लोगों को जावास्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके बता रहा हूँ और इसी से मैंने पूरी प्रोग्रामिंग की है और इस प्रेजेंटेशन में मैंने स्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ किया है। दोस्तों आपके सामने जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे कि एम्बेड स्टाइल को यूज़ किया हुआ है स्क्रिप्टिंग को इंक्लूड करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे तो मेरा सबसे पहला जो लाइन है वह HTML, ये हेड ओपन हुआ आपका या टाइटल ओपन हुआ, टाइटल को आपने क्लोज़ किया, हेड को आपने क्लोज़ किया, बॉडी को स्टार्ट किया। अब दोस्तों यहाँ से आपका स्क्रिप्ट चालू होता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट टैग आपका लगा हुआ है। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये अब ये जावास्क्रिप्ट चालू हो गई है आपकी और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी ख़त्म हुई है इस स्क्रिप्ट टैग से। अब बीच में आपने लिखा हुआ है document.write। दोस्तों document.write का यूज़ HTML पेज के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए किया जाता है, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए किया जाता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने document.write के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने H1 भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये H1 आपका जो है इसका H1, तो ये HTML का टैग है, ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जब भी चाहें तब आप HTML टैग का यूज़ कर सकते हैं और ये इसको एज ए HTML ही ट्रीट करेगा। अब दोस्तों मैं आता हूँ कमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कमेंट्स होती क्या है। दोस्तों क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर हमको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना हो और हम ये चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन कंपाइलर कंपाइल ना करे या कंपाइलर इस डिस्क्रिप्शन को छोड़ दे, ये हमें सिर्फ समझने के लिए हमको वहाँ पे कोई लाइन लिखनी हो, हम चाहते हैं वो लाइन डिस्प्ले ना हो या उसका कोई फ़र्क ना पड़े प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो हम लोग कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको किसी एक लाइन में कमेंट देना हो तो आप सिंगल स्लैश डबल स्लैश से आप उस कमेंट को दे सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डबल स्लैश से। जब भी आप इसको डबल स्लैश लगाओगे और ये लिखोगे तो ये स्टेटमेंट कभी भी कंपाइल नहीं होगा, कंप्यूटर उसको छोड़ देगा, आपने यहाँ क्या लिखा ये कभी भी कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। दोस्तों दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन का मतलब होता है कि एक से अधिक लाइनों में अगर आपको कमेंट लिखना हो तो आप इस टैग का यूज़ करोगे और जो भी आप इस टैग के अंदर लिखोगे वो कभी भी कंपाइल नहीं होगा, कंप्यूटर उसको छोड़ देगा, उसको कभी भी कंपाइल नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर दिखा है दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट, तो ये दोनों लाइनें कंप्यूटर छोड़ देगा, कंपाइलर छोड़ देगा, कभी भी इसको कंपाइल नहीं करेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स को ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ वेरिएबल्स के ऊपर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल्स हमारे स्पेशल मेमोरी लोकेशंस होते हैं, इन मेमोरी लोकेशंस पे हम अपना डाटा रख सकते हैं। अब दोस्तों ये मेमोरी लोकेशंस अलग अलग नाम से होते हैं, जैसे ABCD किसी भी नाम से हो सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है मेमोरी लोकेशंस को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आप VAR का यूज़ करते हैं। ये मैंने VAR यूज़ किया हुआ। फिर मैंने यहाँ पर चार वेरिएबल्स लिए हुए हैं A, B, A एंड B। तो यहाँ पर मेमोरी में चार वेरिएबल्स बन जाएंगे, एक का नाम रहेगा A, दूसरे का नाम रहेगा B, तीसरे का नाम रहेगा A, ये स्मॉल लेटर्स में रहेगा, और चौथे का नाम रहेगा B, ये भी स्मॉल लेटर्स में रहेगा। तो दोस्तों ये चार मेरे मेमोरी लोकेशंस बन गए जहाँ पे अपना मैं डेटा रख सकता हूँ। अब दोस्तों डेटा को रखने के लिए मैं क्या करूँगा, डेटा को रखने के लिए मैं इक्वल टू का यूज़ करूँगा। इस इक्वल टू से क्या होगा, वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है VAR A, तो ये छोटे वाले A के अंदर 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपका 5 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। फिर आपका B लिखा हुआ है 6.50, तो यहाँ पे 6.50 यहाँ पे आपका B आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A = A+B, तो छोटा वाला A ऐड हो रहा हो और बड़ा वाला B ऐड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये B और ये A दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 11.50। ये आउटपुट आपका यहाँ पे बड़े वाले A के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके मेमोरी लोकेशंस होते हैं, या मेमोरी लोकेटर्स होते हैं, या कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने डाटा को रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने इसके अंदर वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है। मैंने स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट, आपके स्क्रिप्टिंग चालू हो गई। यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल्स लिए हुए हैं A, B एंड C। A के अंदर मैंने 10 को असाइन करवाया है, B के अंदर मैंने 20 को असाइन करवाया है, और C के अंदर मैंने दोनों को ऐड करके C के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब C के अंदर मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है document.write से, द सम ऑफ टू नंबर्स। और दोस्तों यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन में लिखा है H1+C एंड C। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, document.write तो मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड है जो कि HTML पेज के अंदर स्ट्रिंग को राइट करता है। अब इस स्ट्रिंग को काय में कन्वर्ट किया, आपने H1 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये H1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस साइन क्या करता है दोस्तों, ये प्लस साइन इस HTML कोड को इसके साथ ज्वाइन करेगा और उसकी वैल्यू को यहाँ पर देगा। इसकी वैल्यू को देगा मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आपका आएगा वो 30 आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ किया है H1 के साथ, और C आपने वैसे ही लिखा है। अगर C आपने सिंपल लिखा है, अगर C को आप डबल कोट्स में लिखते इस तरीके से, तो यहाँ पे C प्रिंट हो जाता, पर क्योंकि आपने इसको बिना कोड के लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आउटपुट जो रहेगा वो रहेगा सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 30। चलिए दोस्तों मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने वहाँ पे प्लस का यूज़ किया, वैसे आप माइनस का यूज़ भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई का यूज़ भी कर सकते हो, आप डिवीजन का यूज़ भी कर सकते हो, आप मॉडुलस का यूज़ भी कर सकते हो, आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हो, आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हो। ये सारे जो हैं मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो डिवीजन तो दोस्तों आपको क्या करेगा, जैसे आपने 2 से डिवाइड किया 5 को, तो 5 क्या करेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 2's are 4। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, जब भी आप 5 5 by 2 लिखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2। ठीक है, जब आप मॉड्यूलस लोगे तो मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा, मतलब जब भी आप 5 और यहाँ पे 5 के बाद यहाँ मॉड्यूलस साइन ले लोगे तो आपको जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो दोस्तों डिवीजन और मॉड्यूलस में ये अंतर है। इंक्रीमेंट क्या करेगा, आपके वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। मान लीजिए A = 10 लिखा हुआ है और A++ लगा दिया तो वो 11 हो जाएगी A की वैल्यू। इसी तरह से डिक्रीमेंट क्या करेगा, माइनस कर देगा। अगर A की वैल्यू 10 दी हुई है तो वो A की वैल्यू A -9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे आपने वहाँ पर लिखा था X = Y, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि जो राइट की वैल्यू है, राइट वाली जो Y की वैल्यू वो कहाँ आ जाएगी, X के अंदर आ जाएगी। तो ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर है। अगर इस तरीके से आप +(-), -(-), (-)(-), (-)(-), (-)(-), (-)(-), (-)(-), (-)(-) भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों +(-) किसके बराबर होता है, +(-) बराबर होता है X = X+Y के। मतलब अगर आपको X की वैल्यू Y के साथ जुड़ के वापस X में ट्रांसफ़र करना हो तो आप X + =Y यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप X -(X)-(X)÷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 (X)
ऑपरेटर हैं जो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
अब दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक है वो है ब्रांचिंग एंड लूपिंग। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ ब्रांचिंग क्या होती है, लूपिंग क्या होती है। दोस्तों जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको तीन तरीके से डिवाइड किया हुआ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सीक्वेंस स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। दोस्तों जो सीक्वेंस स्टेटमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो आप कंपाइल कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर कंपाइल किया था तो ये सीक्वेंस से कंपाइल हो रहा है। सीक्वेंस से कंपाइल हो रहा है मतलब पहले ये वाली लाइन कंपाइल हुई, फिर ये वाली लाइन कंपाइल हुई, फिर ये वाली लाइन कंपाइल हुई, फिर इसके बाद फिर ये वाली लाइन कंपाइल हुई। ये आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस कंपाइलेशन है, ठीक है। और जो अभी अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशनल कंपाइलिंग। कंडीशनल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इफ़ और दूसरा होता है स्विच। मैं सबसे पहले आपको इफ़ के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इफ़ को तीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, सिंपल इफ़, नेस्टेड इफ़ एंड इफ़ एल्स इफ़। चलिए दोस्तों ये आपके सामने इफ़ का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो इसका आप फंक्शनिंग समझिए क्या होता है। यहाँ पे अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट कंपाइल होगा। ये स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है जो को इफ़ की बॉडी के अंदर लिखे हुए हैं, मतलब इफ़ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो यहाँ पे कंपाइल होंगे। कब, जब कंडीशन ट्रू होगी। वो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो जो एल्स की बॉडी के अंदर अपन ने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो कंपाइल होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इस एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है, इन्होंने वी आर ए लिया हुआ है और ए की वैल्यू उन्होंने 20 किया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने इफ़ कंडीशन लिया हुआ है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो दोस्तों यहाँ पे कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर ऐसे होगा 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। कंप्यूटर इसको इस तरीके से कंपेयर करेगा, मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, जो ए की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कैसे होगा, 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो अभी कंडीशन ट्रू मिल रही क्योंकि 20 बड़ा होता है 18 से, तो कौन सी बॉडी कंपाइल होगी, ये वाली बॉडी कंपाइल होगी जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही कैन वोट, ये यहाँ पे प्रिंट किया हुआ आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू कम होती है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं जीरो को, और मान लीजिए यहाँ पे 2 होती तो 2 इज़ ग्रेटर देन 18। तो दोस्तों ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने की दशा में क्या होगा, यहाँ पे एल्स पे कंट्रोल आ जाएगा और एल्स की बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है आपने वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ही कैन नॉट वोट, ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होने पे जो इफ़ के अंदर जो इफ़ की बॉडी है उसके जितने स्टेटमेंट है वो कंपाइल हो जाएंगे, और कंडीशन फॉल्स होने पे जो एल्स की बॉडी है उसके अंदर जितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो कंपाइल हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इफ़ समझ में आया होगा। अब दोस्तों इफ़ का सिंटैक्स भी थोड़ा समझने लायक है। देखिए कंडीशन हमेशा आती है ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर कंडीशन आती है, और बॉडी जो आती है वो आती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो वो इसके अंदर आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जो भी स्टेटमेंट हम कंपाइल करवाना चाहते हो कंडीशन ट्रू होने पर, वो सारे स्टेटमेंट आपके पहले कर्ली इफ़ की बॉडी के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे, और जो आप स्टेटमेंट कंपाइल करवाना चाहते हो कंडीशन फॉल्स होने पर वो सब आ जाएंगे एल्स के अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा इफ़ का ब्लॉक। चलिए मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों जो एग्ज़ाम्पल था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, कॉपी कर लिया है, और मैंने इसका नाम दिया है इफ़ स्क्रिप्ट डॉट HTML, और यहाँ पे मैंने VAR A के अंदर 20 लिया हुआ, वही किया है जो मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम्पल में किया था। अब दोस्तों जब मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ही कैन वोट। अब दोस्तों मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं VAR जो 20 लिखा हुआ है उसकी यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया था अभी, और मैंने यहाँ पे इसको सेव किया दोबारा से, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है, लिखा हुआ ही कैन नॉट वोट, मतलब कंडीशन ट्रू होने पे क्या रन हो रहा है, जो आपका ये वाला स्टेटमेंट था वो रन हो रहा है, और कंडीशन फॉल्स होने पे जो आपका ये एल्स वाली बॉडी थी ये रन हो रही है। तो दोस्तों ये था आपका इफ़ का एग्जाम्पल। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ इफ़ एल्स इफ़ के ऊपर। दोस्तों अभी आपने यूज़ किया इफ़, अब इफ़ का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास एक ही कंडीशन होती है। अगर एक से अधिक कंडीशंस होती हैं तो आप उसमें इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है, जैसे मेरे को 3 वेरिएबल में से बड़ा वेरिएबल फाइंड करना है, मतलब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, उसमें से मुझे बड़ा निकालना है। तो दोस्तों ए कब बड़ा होगा, जब ए बी से भी बड़ा हो जाएगा और ए सी से भी बड़ा होगा। बी कब बड़ा होगा, जब बी ए से भी बड़ा होगा और बी सी से भी बड़ा हो जाएगा। और सी कब बड़ा होगा, जब सी दोनों से बड़ा होगा, ए से और बी से। तो दोस्तों ये जो मैं और बोल रहा हूँ हिंदी में, इसको हम लोग इंग्लिश में एंड ऑपरेटर बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको अपन एंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन ये लिया हुआ है कि
इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये जो डबल एम्परसेंड का ऑपरेटर है ये यहाँ पे जो है एंड ऑपरेटर कहलाता है। तो ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है तभी जाके ए बड़ा होगा, तब ये वाली बॉडी आपकी कंपाइल होगी। मतलब कि जब आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करोगे, इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करोगे, तो आपके लेफ्ट में भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, आपके राइट में भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाके ही ये इफ की बॉडी कंपाइल होगी। ऐसे ही एल्स इफ में क्या किया हुआ है, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, तब जाके ये वाली बॉडी कंपाइल होगी, नहीं तो फिर ये वाली कंपाइल हो जाएगी। अब दोस्तों इस एग्जांपल में क्या होगा, जैसे मैंने ए की वैल्यू 15 दी हुई है, बी की वैल्यू 20 दी है और सी की वैल्यू 30 दी है, तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इफ में कंपेयर होगा। तो इफ में क्या लिखा हुआ है, जैसे 15 लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 15 है तो 15 इज ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया। फिर अगला कंपैरिजन कैसा होगा, 15 इज ग्रेटर देन 30, क्योंकि सी की वैल्यू में ही 13 है। अब ना तो दोस्तों ये वाली कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, और ना ये वाली कंडीशन ट्रू है ये भी फॉल्स है, क्योंकि 15 जो है 20 से भी छोटा है, 15 30 से भी छोटा है, इसलिए ये वाली बॉडी कंपाइल नहीं होगी। अब दोस्तों क्या करेगा, वो अगली कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे आएगा बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अब बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू है 20, 20 इज ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 20 बड़ा होता है 15 से, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपके राइट में भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, 20 इज ग्रेटर देन 30, ये बनती है 20 इज ग्रेटर देन। अब दोस्तों ये वाली कंडीशन तो ट्रू है पर ये वाली फॉल्स हो गई, क्योंकि 20 30 से बड़ा नहीं होता है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं रन होगी। फिर क्या होगा, एल्स पे आके बिना कंडीशन चेक किए वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेड इस वाली बॉडी को कंपाइल कर देगा। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे बी की वैल्यू 200 होती तो क्या होता, 200 होती तो यहाँ पे क्या होता, ये वाली वैल्यू 200 इज ग्रेटर देन 15 एंड 200 इज ग्रेटर देन 30, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, तब जाके क्या करता वो ये वाली बॉडी को कंपाइल करता, बाकी सबको छोड़ देता। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जब कंडीशंस ज़्यादा होती हैं तो आप इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल टाइप कर लिया है आपके सामने, एग्जांपल है कॉपी कर लिया है मैंने, यहाँ पे सेम वही एग्जांपल टाइप किया है जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन पे था। अब दोस्तों मैं इसको रन करवा हूँ, देखिए क्या इसका आउटपुट आता है। देखिए दोस्तों इसका आउटपुट जो आया वो 30 आया। अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 200 डाल देता हूँ, अब फिर देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों मैंने सेव किया, फिर दोबारा से मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए आपका यहाँ पे आउटपुट क्या है, 200 आया, मतलब आपका बी वाला कंडीशन इफ एल्स वाली जो कंडीशन है वो चल गई। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू 1500 डाल देता हूँ, 1500 डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको सेव किया और मैंने अब रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 1500, मतलब जो नंबर बड़ा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इफ एल्स किस तरीके से काम करता है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अभी अपने वहाँ पे एंड यूज़ किया था, एंड में क्या होता है दोस्तों, दोनों साइड कंडीशंस ट्रू होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में। जब भी इस ऑपरेटर का आप यूज़ करेंगे तो ये वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा और राइट हैंड साइड जो रहेगा, दोनों साइड कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। अब दोस्तों आता हूँ ऑल ऑपरेटर के ऊपर, मतलब ऑल ऑपरेटर में यह होता है, हम उसको या भी बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि x इक्वल टू 5 और x और y इक्वल टू 5। तो अब दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, मैंने x को टेस्ट किया है 6 से लेके और y को एक्सेस किया है 3 से लेके, तो यहाँ पे क्या करेगा, 6 इक्वल टू 5, तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन आपकी, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। अब y को चेक करेगा तो y यहाँ पे क्या है, 3 इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू यहाँ पे 5 होती या फिर यहाँ पे 3 होता, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो y इक्वल टू, यहाँ क्या होता, y इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 हो जाता, तो ये कंडीशन फिर यहाँ पे क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड की कंडीशन ट्रू हो या फिर राइट हैंड की कंडीशन ट्रू हो। और नॉट का मतलब होता है दोस्तों कि नहीं, या तो लेस देन नहीं है या बराबर नहीं है या इक्वल टू बराबर नहीं है, जब भी आपको नहीं लगाना होता है वहाँ पे आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। तो दोस्तों ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, बताता हूँ स्विच के बारे में।
अब दोस्तों मैं आता हूँ स्विच के ऊपर। तो दोस्तों स्विच का यूज़ मैं जब करता हूँ जब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जब बहुत सारी कंडीशंस होंगी तो मैं स्विच का यूज़ करूँगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका ए दिया हुआ है कोई वेरिएबल, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो आपको मंडे प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू अगर 2 होगी तो ट्यूजडे प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू अगर 3 होगी तो वेडनेसडे प्रिंट करना है। दोस्तों ये मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट है, तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स में हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्विच में होता क्या है, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन रहता है, यहाँ आपका वेरिएबल रहता है, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू इससे मैच करती है तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कंपाइल होगा, ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा। अगर उसकी वैल्यू इससे मैच करती है तो ये वाला स्टेटमेंट कंपाइल होंगे और ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से आगे होता रहेगा। और मान लीजिए आपके कोई भी वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है तो वो डिफ़ॉल्ट पे आके इन स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा और बाहर निकल जाएगा। इसका सिंटेक्स भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपका वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल का नाम आ जाएगा, अगर उसकी वैल्यू यहाँ से मैच करती है एक्स की वैल्यू से तो ये वाला कोड आपका रन हो जाएगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, मतलब बाकी कोड छूट जाएंगे। अगर वैल्यू आपकी इससे मैच नहीं करती तो वो इससे मैच करेगा, अगर यहाँ आपकी इससे मैच हो जाती है तो ये वाला कोड आपका रन हो जाएगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए लिया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे आपने स्विच ए लिख दिया तो यहाँ पे ये चेक होगा, मतलब 1 = 3, तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि यहाँ पे ये 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया चेक किया 1 = 2, ये भी बराबर नहीं है तो ये भी रन नहीं होगा। फिर यहाँ पे आया केस 3, तो ये वाली वैल्यू जो है 3 वाली वैल्यू जो है इससे मैच करती है स्विच से, स्विच के अंदर जो वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला मैच फाइंड हो गया तो यहाँ वेडनेसडे रन करेगा और ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 30 होती है तो 30 यहाँ किसी भी केस में नहीं दिया हुआ है तो वो डिफ़ॉल्ट पे आता और बोलता डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो कंपाइल करता और बाहर निकल जाता। अब दोस्तों ये जो एग्जांपल था जो मैंने भी आपको प्रेजेंटेशन में बताया था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 3 कर दी है और यहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3 ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख दिया हुआ है। चलिए मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको रन किया तो यहाँ पे आउटपुट वेडनेसडे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे स्विच के अंदर इसको चेंज कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पे ए है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। देखिए क्या यहाँ पे 5 किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, देखिए आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे फ्राइडे आ गया दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे केस नंबर 5 में यहाँ पे मेरे को फ्राइडे दिया हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो 50 यहाँ पे कोई भी केस नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 7 तक केस दिए हुए हैं, 50 की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 50 की कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है, किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट पे आएगा और डिफ़ॉल्ट पे यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो उसको कंपाइल करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा स्विच स्टेटमेंट। दोस्तों थोड़ा इसके सिंटैक्स को भी समझ लीजिए, हमको स्विच में यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे वो वेरिएबल लेना पड़ता है जिसको हमको मैचिंग कराना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कब होता है, जब हमारा स्विच क्लोज हो जाता है लास्ट में। यहाँ पे जब भी आप केस लगाएंगे ये भी हमारा कीवर्ड ही है और यहाँ पे इस ए की वैल्यू जो भी आपको मैच करवाना है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, 3, 50, 40 जो आपको मैच करवाना है। फिर यहाँ पे कॉलन लगेगा, ये कॉलन भी कंपलसरी है। फिर जो स्टेटमेंट आप कंपाइल करवाएंगे वो स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा और सेमी कॉलन से एंड होगा। और दोस्तों जो भी आपको बॉडी कंपाइल करवानी हो, जो स्टेटमेंट कंपाइल करवाना हो, सारे यहाँ पे लाइन से आ जाएंगे और उसके आखिरी में जब आप सेकेंड केस स्टार्ट करोगे या दूसरा केस स्टार्ट करोगे तो आखिरी में आपके ब्रेक स्टेटमेंट का होना कंपलसरी है। दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लगाइएगा, नहीं तो ये क्या है केस 2 भी रन हो जाएगा, केस 3 भी रन हो जाएगा, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट का होना यहाँ पे कंपलसरी है। तो दोस्तों ये मेरा स्विच स्टेटमेंट था और ये इसका सिंटैक्स था, मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ लूप्स के ऊपर। तो दोस्तों लूप का मतलब हिंदी में क्या होता है, लूप को अगर हम डिफाइन करें तो बार बार किसी भी स्टेटमेंट को या बार बार परफॉर्म करना। अब क्या परफॉर्म करना, तो दोस्तों जितने स्टेटमेंट्स लूप के अंदर दिए रहेंगे उनको बार बार परफॉर्म करना। अब ये कब तक परफॉर्म होते रहेंगे, जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे और कंडीशंस फॉल्स होने पर ये लूप जो है ख़त्म हो जाएगा और वो जो परफॉर्मेंस है वो जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा। तो दोस्तों
लूप सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो वीबी स्क्रिप्ट हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में जो लूप्स होते हैं वो वाइल, डू वाइल और फॉर होते हैं। अब वाइल, डू वाइल, फॉर, तो वाइल का अगर अपन हिंदी में देखें तो वाइल का मतलब होता है जब तक। दोस्तों जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे मैं ये वाइल का जो है आपका, यहाँ पे मैंने ब्लॉग बताया हुआ है आपको, तो वाइल इसका सिंटैक्स होता है वाइल कंडीशन बॉडी। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जितने भी स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर लिखे हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और वापस ये ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा, मतलब यहाँ से आएगा वापस चेक करेगा। फिर कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वापस दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा, और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये तो था वाइल के बारे में। अब डू वाइल में क्या होता है? तो दोस्तों डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन जो है बाद में चेक होती है, पहले जो है स्टेटमेंट परफॉर्म होते हैं। मतलब जैसे डू के अंदर जो भी लिखा रहेगा, डू का स्टेटमेंट, डू का कर्ली ब्रैकेट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा वो आपका पहले परफॉर्म होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वापस से स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वापस से स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे, और कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों किन्हीं भी स्टेटमेंट्स को अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप उन स्टेटमेंट्स को आप जो है लूप के अंदर रखते हैं। लूप्स में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होती है स्टार्ट कंडीशन, मतलब लूप कहाँ से चालू करना है, या फिर उसकी वैल्यू क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से लूप आपका चालू होना है। दूसरी होती है कंडीशन चेक। कंडीशन चेक में क्या होता है, लूप में चेकिंग होती है, वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप के बॉडी के अंदर आता है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, लूप्स की स्टार्टिंग कंडीशन से कंडीशन चेक पे पहुंचने के लिए, या स्टार्टिंग कंडीशन से इन कंडीशन पे पहुंचने के लिए हमको या तो काउंटर लगाना पड़ता है या डिक्रीमेंट करना पड़ता है, कोई कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कोई कैलकुलेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, ये आपको लूप के अंदर क्या करना है। दोस्तों अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना, मैं लूप के एग्जांपल से आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करिए, बने रहिए वीडियो पे। जैसे कि वाइल लूप का एग्जांपल ये आपके सामने है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वाइल लूप में आपने यहाँ पे ये बॉडी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एचटीएमएल लगाया, हेड लगाया, ये हेड क्लोज हो गया, बॉडी ये हमने स्क्रिप्ट दिया हुआ है। अब स्क्रिप्ट में हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने ए कर दी, तो ये क्या हो गया हमारा कि हमारा ए जो है इसकी इनिशियल कंडीशन हो गई। लूप हमारा कहाँ से चालू होगा, ए से चालू होगा। अब वाइल में हमने लगाया ए इज़ लेस देन इक्वल टू 100, ए इज़ लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ये हमारा कंडीशन चेक हो गया। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का करेगा इस ए की वैल्यू को, ये यहाँ पे जो दी हुई है आपने 1, इसको यहाँ पे कंपेयर करेगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 100। अब दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू है तो ये वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो इसको कंपाइल करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, वहाँ पे आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्लैश एन, लाइन आपकी चेंज हो जाएगी, स्लैश एन का मतलब लाइन चेंज करने से होता है, स्लैश एन से लाइन चेंज हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है, काउंटर क्या करेगा कि आपकी इस ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब ए की वैल्यू 1 थी तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 हो गई, अब फिर ये ब्रैकेट खत्म हो गया वाइल का, तो दोबारा से यहाँ पे ऊपर जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 हो चुकी है तो यहाँ पे वो 2 को रख देगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो नीचे बॉडी कंपाइल करेगा, ये 2 को प्रिंट कर देगा, फिर वो लाइन चेंज कर देगा, फिर आपको ए प्लस प्लस करेगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये जो दो स्टेटमेंट्स है, तीन स्टेटमेंट है, जब तक कंपाइल होंगे जब तक कंडीशन आपकी ट्रू मिलती रहेगी। अब एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू 101 हो जाएगी ए की वैल्यू, क्योंकि काउंटर लगा हुआ है, जब 101 हो जाएगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 101 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 100, ना तो छोटा है ना बराबर है 100 के, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर ना जाते हुए सीधे बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे लिख देगा दिस इज़ वाइल लूप,
ठीक है, और ये आपकी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई, ये आपकी बॉडी क्लोज हो गई, ये आपकी एचटीएमएल क्लोज हो गई। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ किस तरीके से रन होता है, तो क्लियर चीज आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों ये वाला प्रोग्राम देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, यहाँ पे वी आर वन लिया हुआ है, सेम वही प्रोग्राम है एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया, बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेट में मैंने बी आर लगाया हुआ है, इसको मैंने प्रोग्राम को सेव किया हुआ, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करवा के इसको मैंने ओपन किया। दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया हुआ है तो यहाँ पर वन से लेके यहाँ पर देखिए ये हंड्रेड तक आपका जो है आपकी गिनती प्रिंट हो गई है, मतलब वाइल लूप आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज़ वाइल लूप। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ, मैं कंडीशन चेंज करके मैं इसको 10 कर देता हूँ तो क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे सेव किया और फिर मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे 10 तक गिनती आई, मतलब ये लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी कंडीशन आपकी ट्रू है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वाइल लूप समझ में आया होगा। चलिए लौटते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं आता हूँ आपसे, तो दोस्तों अब मैं आता हूँ डू वाइल लूप के ऊपर। दोस्तों डू वाइल लूप और वाइल लूप बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस यहाँ पे होता क्या है कि वाइल लूप में कंडीशन ऊपर आ जाती है, जैसे यहाँ पे आई थी, मतलब पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है, और डू वाइल लूप में कंडीशन नीचे चेक होती है, नीचे चेक होती है, मतलब यहाँ पे वाइल की कंडीशन यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लगा हुआ, ये नीचे चेक होती है यहाँ पे कंडीशन। तो दोस्तों बस यही अंतर होता है डू वाइल और वाइल में। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम वही है, ए इक्वल टू वन कर दिया, डू किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपका प्रिंट कर देगा वो बी आर लाइन को ब्रेक करेगा, ए प्लस प्लस कर देगा, फिर यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस हो गया तो ए की वैल्यू 2 हो गई, अब 2 चेक होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो कंडीशन ट्रू मिल गई। जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वापस वो ऊपर चले जाएगा डू के ऊपर, फिर वो इसको कंपाइल करेगा, फिर वो इसको कंपाइल करेगा, फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर ए प्लस प्लस करेगा, फिर वो दोबारा यहाँ पे चेक करेगा तो 3 इज़ लेस देन 20, कंडीशन अगेन ट्रू, अगेन ऊपर चला जाएगा, और इस तरीके से लूप कंटिन्यू बना रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। एक समय ऐसा आएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब 21 से कंपेयर होगा, क्योंकि काउंटर लगा हुआ है, तो 21 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने पर लूप बाहर निकल जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है दिस इज़ डू वाइल लूप होके स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से डू वाइल लूप काम करता है, आप इसको कॉपी करके चला लीजिएगा, सेम एज इट इज़ रन करता है जिस तरीके से आपका वाइल लूप रन किया। अब दोस्तों तीसरा लास्ट लूप है फॉर लूप। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था हर लूप में तीन चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें फॉर लूप में एक साथ ही आ जाती हैं, मतलब पहले क्या होगा यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी इनिशियलाइज हो गई, फिर क्या होगा इनिशियलाइज होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, सेकंड पॉइंट ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट लिखे हैं, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं वो सारे कंपाइल होंगे और फिर वो यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंटर पे आ जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर अगेन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर नीचे आ जाएगा, और फिर ये सीक्वेंस चलता रहेगा इस तरीके से जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। दोस्तों इन दोनों डू वाइल लूप और फॉर लूप दोनों को मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में रन करके बता देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों जो प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल्स हैं मैंने उनको यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ये ऊपर देखिए डू वाइल लूप है, ठीक है, और यहाँ पे इसी में मैंने नीचे फॉर लूप का भी यूज़ कर लिया है। आप एक प्रोग्राम में किन्हीं भी लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, मतलब ये आपका आपके एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट कर देगा, बी आर आपकी लाइन को ब्रेक करेगा, काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है आपकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, वाइल कंडीशन यहाँ पे दी हुई है ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो दोस्तों ये लूप 10 बार चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10 दी हुई है, काउंटर ए प्लस प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे ए की वैल्यू इनिशियलाइजेशन जो है वो 1 से हुआ है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जब ये तो आपका डू वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, देन फिर फॉर लूप पे। अब दोस्तों मैं आता हूँ फॉर लूप के ऊपर। तो फॉर लूप में जो कंडीशन है वो यहाँ पे ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो ए इक्वल टू 10 दी हुई है, मतलब लूप आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, कंडीशन क्या है आपकी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब कि जब तक कि ए की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो दोस्तों आपको मालूम है ए की वैल्यू 10 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पे 10 से लेके 1 तक जाने के लिए यहाँ पे ए माइनस माइनस लगाया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू जो है डिक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर 7, फिर 9 प्रिंट करेगा, फिर 8 प्रिंट करेगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, इस तरीके से लूप चलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब एक की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 ना तो बड़ा होता है ना बराबर होता है 1 के, तब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो सकें।
मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट वाले लूप में आपका 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज़ डू वाइल लूप, और यहाँ पे प्रिंट हुआ नंबर 10 नंबर 9। ये उल्टी जो सीरीज़ है वो प्रिंट हुई है, ये उल्टी सीरीज़ इसलिए प्रिंट हुई है क्योंकि आपने इस फॉर लूप को उल्टा चलाया है, 10 से चलाया है 1 तक चलाया है, और यहाँ पे आपने काउंटर ये का डिक्रीमेंट लगाया हुआ है, ए माइनस माइनस किया हुआ है, तो हर बार ए की वैल्यू माइनस माइनस होती जाएगी और इस तरीके से लूप पूरा रन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें 100 कर दे, तो 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया, तो देखिए यहाँ पे 100 से प्रिंट हो गया। और मान लीजिए मुझे ऐसा प्रिंट करवाना है कि 100, 90, 80, तो मैं क्या करूँगा, तो दोस्तों मैं इस लूप में थोड़ा सा चेंज करूँगा और यहाँ पे ए प्लस ए माइनस माइनस की बजाय मैं यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू 10 दे दूँगा। तो मैंने आपको ये बताया था पहले वाले पार्ट में कि a प्लस 10 इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और फिर मैं इसको दोबारा से रन करवा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा दोस्तों, क्योंकि अपन लोग की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्योंकि अपन को डिक्रीमेंट करना है, मुझे इंक्रीमेंट का ध्यान रहा। चलिए दोबारा से रन करते हैं इसको माइनस ला के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लूप मेरा रन हो गया है, यहाँ पे 100, 90, 80, 70, 60, 50, क्योंकि मैंने यहाँ पे a माइनस इक्वल टू 10 लगा दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे a माइनस इक्वल टू 10 लगा दिया था, तो a की वैल्यू a इक्वल टू a माइनस 10 इसका मतलब होता है। तो दोस्तों इस तरीके से लूप्स मेरे चलते हैं, या तो मैं इंक्रीमेंट लगा सकता हूँ, या मैं डिक्रीमेंट लगा सकता हूँ, या मैं कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे लूप के सिंटैक्स को डिस्कस करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे लूप के सिंटैक्सेस को आपसे एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि प्रोग्रामिंग में मैं आपको प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप लगता है, व्हाइल लूप के बाद यहाँ पे कंडीशन आती है, मतलब व्हाइल लूप आप सीधा लगाओगे, यहाँ पे कंडीशन जो है छोटे ब्रैकेट में आएगी, देन फिर आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और लूप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लूप यहाँ पे एंड, कर्ली ब्रैकेट क्लोज से ये लूप आपका एंड हो जाएगा। दोस्तों ये तो था आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब डू व्हाइल लूप में दोस्तों क्या होता है, डू आता है और डू के बाद जो है कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, डू के बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, जो स्टेटमेंट आपको लिखना होते हैं वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो। कर्ली ब्रैकेट जैसे ही ख़त्म होता है दोस्तों, ये क्लोज होता है, उसके बाद जस्ट उसके बाद व्हाइल आ जाता है, व्हाइल सेम एज इट इज़ छोटे ब्रैकेट में कंडीशन आती है, वह सेमी कॉलन लग जाता है। दोस्तों ये सेमी कॉलन भी कंपलसरी है और ये आपका जो है ब्रैकेट्स भी कंपलसरी है। तो दोस्तों व्हाइल में कंडीशन आती है और डू में जो है कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन होते हैं, जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो अपन यहाँ लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, वे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद देन फिर व्हाइल आ जाता है और व्हाइल के अंदर छोटे ब्रैकेट्स आते हैं, वे सेमी कॉलन आता है। अब दोस्तों आते हैं फॉर के ऊपर, तो फॉर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, तो वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन में आपका यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन आता है, फॉर लूप लगता है, छोटा ब्रैकेट लगता है, छोटा ब्रैकेट के बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जब आप करते हो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो आपने किया उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाता है, देन उसके बाद आपकी ये कंडीशन जो चेक होती है उसके बाद आपका सेमी कॉलन आ जाता है, उसके बाद देन फिर आपका जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो आपको देना है वो यहाँ आ जाता है, फिर ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है। मतलब सेमी कॉलन सिर्फ दो बार आएगा, एक तो इनिशियलाइजेशन के बाद, फिर यहाँ पे कंडीशन के बाद, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद आपका सेमी कॉलन नहीं आएगा, फिर आपका ये छोटा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद देन फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, जो स्टेटमेंट आपको कंपाइल करवाना हो फॉर लूप के अंदर वो स्टेटमेंट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, फिर देन फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से फॉर लूप का सिंटैक्स होता है दोस्तों। तो ये मेरा लूप यहाँ पे एंड होता है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फंक्शंस। दोस्तों मैं आता हूँ फंक्शंस के ऊपर। तो दोस्तों फंक्शंस क्या है, अब फंक्शंस जो है एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कोड है, एक ग्रुप ऑफ कोड है जिसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है और जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। दोस्तों ये ग्रुप ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई इसको इन्वोक करता है या इसको कॉल करता है, ठीक है ना। और इसको जो है डिफाइन करने के लिए हम रिजर्व वर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब जब भी हमको डिफाइन करना होगा फिर एक रिजर्व वर्ड फंक्शन लगाएंगे, फिर हम फंक्शन का नाम लगाएंगे और फिर हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक तो होता है पैरामीटर वाले, एक होता है बिना पैरामीटर के। दोस्तों ये क्या होते हैं सब हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट के बाद मैंने फंक्शन लिया हुआ है, मतलब ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है, सेक फंक्शन, ये इसका नाम हो गया।
ये ब्रैकेट्स आ गए, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुए, उसके अंदर उसको फंक्शन की बॉडी हमको लिखना है या जो कोड हमको एग्जीक्यूट करवाना है वो हमको लिखना है। तो हमने यहाँ पे जो कोड एग्जीक्यूट करवाना था वो लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, मतलब फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हमने एक और फंक्शन लिया जिसका नाम फंक्शन कीवर्ड से उसका नाम हमने फर्स्ट फंक्शन दे दिया, फर्स्ट फंक्शन दे दिया। अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे हमने क्लोज किया और यहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट जो हमको एग्जीक्यूट करवाना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों ये हमारे फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। अब इसके बाद बारी आती है इनको कॉल करने की या इनको एग्जीक्यूट करने की या इनको इन्वोक करवाने की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहाँ पे हमने फॉर फंक्शन लिखा, हमने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और सेमीकॉलन लगाया। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ये फॉर फंक्शन हुआ तो फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा और कंट्रोल उठ के कहाँ चला जाएगा, ये कोई एरो दिखाया हुआ है आपको, ये कंट्रोल उठ के यहाँ पे चला जाएगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ माय फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज मिलेगा ये कंट्रोल वापस उठ के आपका कहाँ चला जाएगा, जहाँ से आपका कॉल हुआ है यहाँ पे चला जाएगा। फिर दूसरी लाइन में आपने क्या किया, सैक फंक्शन दिया, अब ये भी फंक्शन है तो ऑटोमेटिक यहाँ से कोड ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे यहाँ से जो है आपका जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे कंट्रोल जो है इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ब्रैकेट उसको क्लोज मिलेगा, जैसे ही ये ब्रैकेट क्लोज मिलेगा ये फंक्शन खत्म हो गया। तो वापस जो है कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, सीपीयू कंट्रोल वापस यहाँ पे सैक फंक्शन पे आ जाएगा। इस तरीके से वापस यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ आ जाएगा, फिर ये सेकंड फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये वाले कोड जो है ये फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग है, ये सेकंड फंक्शन कॉलिंग है, ये फिर से फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग है, ये फिर से सेकंड फंक्शन कॉलिंग है। मतलब मेरे पास यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर दो ब्लॉक हैं, दो ग्रुप है कोड्स के, एक का नाम है फर्स्ट फंक्शन, एक का नाम है सेकंड फंक्शन, और मैं इनको कॉल करने के लिए इनका नाम का यूज़ किया है। जब भी मैंने इनका नाम लगाया सेमीकॉलन लिखा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दोस्तों ये उस कोड के लिए बहुत कंपलसरी होता है जहाँ पे हमको कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है। हम बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोड को सिर्फ एक बार लिख देते हैं और उसको दोबारा बार बार कॉल कर लेते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन। अब दोस्तों इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं है या इसमें पैरामीटर्स नहीं है, मैं आने वाले एग्जांपल्स में आपको पैरामीटर्स के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों ये मेरा जो एग्जांपल है ये मेरा फंक्शन विद पैरामीटर्स का है। अभी दोस्तों इस फंक्शन विद पैरामीटर्स में क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है माय फंक्शन के नाम से, उसके अंदर यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर यहाँ पे मैंने ए लिया हुआ है, बी लिया हुआ है, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अभी रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, ये ए और बी क्या होते हैं, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये फंक्शन मेरा ख़त्म हो गया, फिर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, x की वैल्यू 10 कर दी और y की वैल्यू 2 कर दी। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, डिक्लेयर एंड कॉलिंग फंक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा, var c, एक और नया वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने माय फंक्शन कॉल किया, मतलब ये फंक्शन कॉलिंग है। अब इससे होगा क्या कि ये कंट्रोल कहाँ लेके चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये माय फंक्शन के ऊपर। अब दोस्तों क्या है, ये माय फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक्स और वाई। तो दोस्तों ये मेरे पैरामीटर्स हो गए, पैरामीटर्स मतलब ये होता है कि ये एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, माय फंक्शन के पास चली जाएगी। अब एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स की वैल्यू चली जाएगी ए के अंदर और ये वाई की वैल्यू चली जाएगी दोस्तों बी के अंदर। तो अभी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 थी तो एक्स की वैल्यू ट्रांसफ़र हुई ए के अंदर और वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो वाई की वैल्यू ट्रांसफ़र हुई बी के अंदर। अब दोस्तों अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ए इंटू बी। दोस्तों जब भी मुझे यहाँ से वैल्यू भेजना होती है वापस, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, मुझे मान लीजिए जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके भेजना है, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। तो रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, रिटर्न ए इंटू बी, तो ए और बी का इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया और 20 रिटर्न हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट मिलेगा ये कंट्रोल वापस यहाँ पे इस फंक्शन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो आपका कैलकुलेशन आया है वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने बी आर किया, फिर मैंने यहाँ पे द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन इज सी लिख दिया। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इस स्टेटमेंट से कि ये द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और ये सी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, प्लस से ये कंबाइन हो जाता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखें, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से फिर यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें आर्ग्यूमेंट जा भी रहे हैं,
ये आर्ग्यूमेंट जा भी रहे हैं और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न भी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, इन दोनों एग्जांपल्स को मैं आपको रन करके बताता हूँ कि इसका जो रहेगा आउटपुट किस तरीके से रहेगा। दोस्तों ये मैंने फंक्शन यहाँ पे जो एग्जांपल में था वो मैं टाइप कर लिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है सेकंड फंक्शन के नाम से, उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया है और दिस इज़ माय सेकंड फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया इस कर्ली ब्रैकेट से। फिर मैंने एक और फंक्शन लिया है फर्स्ट फंक्शन के नाम से, उसके अंदर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया है br, फिर दिस इज़ माय फर्स्ट फंक्शन लिखा है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट br यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। ये फंक्शन यहाँ बंद हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा फंक्शन एग्जांपल, फिर मैंने कॉलिंग फंक्शंस लिखा, मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया है। तो जब मैं फर्स्ट फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों लाइंस को कंपाइल करेगा, देन अगेन वापस इस पे रिटर्न हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर सेकंड फंक्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉल करेगा, फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। फिर इस तरह से वापस फर्स्ट फंक्शन कॉल किया है तो वापस फर्स्ट फंक्शन पे आ जाएगा, फिर वापस सेकंड फंक्शन पे आ जाएगा। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चलिए मैं इसको आपको चला के बताता हूँ किस तरीके से चलता है ये। मैंने यहाँ पे इसको रन किया दोस्तों, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शन खुला हुआ है अपने सामने, ये फंक्शंस एग्जांपल लिखा हुआ है, फंक्शन एग्जाम लिखा हुआ है एग्जांपल, कॉलिंग फंक्शन लिखा हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट फंक्शन को, ये पहले वाले हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया था, फिर दिस इज़ माय सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन को कॉल किया था, फिर हमने दोबारा फर्स्ट को कॉल किया था, फिर दोबारा हमने सेकंड को कॉल किया। दोस्तों इस तरीके से आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों एक और एग्जांपल था फंक्शन विद पैरामीटर्स का, मैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें कॉलिंग फंक्शंस विद पैरामीटर्स है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सेम वही एग्जांपल टाइप किया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लिया हुआ है माय फंक्शन करके जो एक्स और वाई को रखेगा और रिटर्न करेगा, दोनों का इंट्रू करके उसको रिटर्न कर देगा। देन फिर यहाँ पे ये एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू 10 किया हुआ है, वाई की वैल्यू 2 किया हुआ है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिक्लेरिंग कॉलिंग फंक्शंस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे VARC में माय फंक्शन कॉल किया है, जैसे मैंने कॉल किया और मैंने यहाँ पे एक्स ओ वाई को भेजा है तो एक्स ओ वाई यहाँ पे इस एक्स ओ वाई में कॉपी हो जाएंगे। यहाँ दोनों वेरिएबल सेम हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये जो एक्स ओ वाई है इसकी वैल्यू ये इस वाले एक्स ओ वाई में कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे एक्स ओ वाई दोनों इंटू हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे इस एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई। चाहे तो उसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे इसको आप ए ओ बी ले लीजिए, मैं वापस इसको ए ओ बी कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको ए को भेज देता हूँ जो अपने एग्जांपल में था, जो अपन ने वहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ था। यहाँ पे ए ओ बी ले लिया है मैंने, मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे ए ओ बी की वैल्यू 10 और 2 थी, यहाँ पे ए को भेजा तो एक्स के अंदर आ गया और यहाँ पे बी को भेजा तो वो टू के अंदर, बी को भेजा वो वाई के अंदर आ गया और यहाँ पर रिटर्न हुआ दोस्तों ए एक्स इंटू वाई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 वापस आ जाएगा इसी पे, तो ये सी के अंदर स्टोर हो जाएगा 20 आके। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको चला के बताता हूँ किस तरीके से चलता है ये। मैंने इसको रन किया दोस्तों, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आ गया, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉलिंग फंक्शंस लिखा हुआ है, डिक्लाइन कॉलिंग फंक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन इज 20। दोस्तों ये 20 वो वाली वैल्यू है जो मल्टीप्लाई होकर आई है। दोस्तों इस तरीके से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अरेज। तो दोस्तों अरेज को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक ही सिंगल प्रोग्राम के अंदर 100 वेरिएबल्स लेना है, तो वो 100 वेरिएबल्स मैं कैसे लूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊँगा VAR A, B, C, D, E, F, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा और इस तरह के 100 वेरिएबल्स यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा, फिर 100 वेरिएबल्स का मैं यूज़ करूँगा। पर दोस्तों मैं इनका नाम कैसे याद करूँगा, ये मेरे लिए बहुत हैक्टिक भी होगा कि मैं कैसे इनका नाम याद करूँगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि हम एक ही वेरिएबल ले लें और उसके 100 पार्ट कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने वी आर ए ले लिया, दोस्तों ये मेरा वेरिएबल है ए और इसके 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं मतलब इसके 5 मैंने ये ए लिया हुआ है और इसके मैंने 5 यहाँ पे पार्ट्स कर दिए हैं। पहले वाले पार्ट का नाम है A0, दूसरे वाले पार्ट का नाम है A1, तीसरे वाले पार्ट का नाम है A2, चौथे वाले पार्ट का नाम है A3 और 5 वाले पार्ट का नाम है A4। दोस्तों इसमें अगर मेरे को वैल्यू डालनी हो तो मैं ऐसे डालूंगा, ए को खाली ब्रैकेट के साथ लेके कर्ली ब्रैकेट में 10, 12, 15, 7 एंड 5, तो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया वैल्यूज़ डालने का, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या करेंगे आप, यहाँ पे A0 के अंदर 10 डाल दिया तो 10 आ गया, A1 के अंदर 2 डाल दिया, 12 डाल दिया तो 12 आ गया, A2 के अंदर 15 डाल दिया तो यहाँ पे 15 आ गया। इस तरीके से भी आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्सअप वैल्यूज़ भी आ सकती है, मिक्सअप वैल्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पे अभी 7 लिया है, मैं यहाँ पे A3 में चाहूँ कि भोपाल डालना है
तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगा के यहाँ पे भोपाल लिख सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे भोपाल लिखूँगा तो A3 मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पे भोपाल आ जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी टर्म को हम लोग अरे बोलते हैं। अब एक्चुअली अरे में होता क्या है, अरे इज़ ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यूज़। एक ऐसा विशेष वेरिएबल है जिसमें एक से अधिक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और ये स्टोर की गई वैल्यूज़ किस काय से रेफ़र करेंगे, ये स्टोर की गई वैल्यूज़ को हम उसके इंडेक्स से रेफ़र करेंगे। इंडेक्स मतलब जो 0-1 अभी मैंने बताया था आपको, उसके इंडेक्स से वैल्यूज़ रेफ़र होंगी। ये वैल्यूज़ स्टार्ट होंगी 0 से और चलेंगी n-1 तक। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे 5 का अरे लिया हुआ है, तो 5 के अरे में क्या है, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो 0 से स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ तक गया, n-1 तक गया, मतलब 4 तक गया। तो इस तरीके से हम लोग 0 से स्टार्ट होंगे उसके इंडेक्स और n-1 तक जाएंगे अरे के इंडेक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अरे को लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं इसके छोटे से प्रोग्राम को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे var ले लिया है, एक वेरिएबल हो गया है मेरा, जिसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया, 200 स्टोर किया, 35 स्टोर किया, 40 स्टोर किया, 50 स्टोर किया। फिर मुझे देखना है मैंने क्या क्या स्टोर किया। तो मैंने एक वाइल लूप लगाया, उसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, आई की वैल्यू, ठीक है। एक वेरिएबल आई ले लिया, उसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, और 0 से लेकर मैंने 4 तक लूप चलाया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया ए डॉट आई। तो ए वैल्यू, ए वेरिएबल में जो आई की वैल्यू है, अभी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ए 0 पर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2-1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो ए 1 पे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो दोस्तों एक सिंपल प्रोग्राम है, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, अरेज के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, और फिर उसको वहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अरेज समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों जावास्क्रिप्ट में मुझे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ। तो हेल्प लेने के लिए मेरा जो पहला फंक्शन है वो है शॉर्ट। शॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, जो अरे में वैल्यूज़ हैं उसको शॉर्ट कर देगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो जाएंगी। लेंथ फंक्शन जो है उसके अरे की लेंथ को बता देगा। रिवर्स जो है उसके अरे को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा, रिवर्स ऑर्डर कर देगा अरे का, डिस्प्ले नहीं करेगा, रिवर्स ऑर्डर कर देगा। पुश का यूज़ करके आप अरे के अंदर वेरिएबल्स को डाल सकते हैं। आप पॉप का यूज़ करके अरेज के अंदर वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसी भी आइटम के इंडेक्स को अगर आपको जानना हो तो इंडेक्स ऑफ अरे, इंडेक्स ऑफ फंक्शन उस आइटम के इंडेक्स को आपको बता देगा। और इंक्लूड फंक्शन ये बताएगा कि जो अरे है उसके अंदर आपका वो एलिमेंट इंक्लूड है कि नहीं है। तो चलिए इन फंक्शंस को मैं एक छोटे से प्रोग्राम से टेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों ये छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और फिर ये मैंने VR फ्रूट्स लिया हुआ है, टेक्स्ट लिया हुआ है। अब फ्रूट्स के अंदर मैंने डाल दिया, ये मेरा सिंपल वेरिएबल है फ्रूट्स, लेकिन मैं इसको अरे बना लिया है। फ्रूट्स के अंदर मैंने डाल दिया बनाना, ऑरेंज, एप्पल, बनाना डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया, एप्पल डाल दिया, मैंगो डाल दिया, फ्रूट्स मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लेंथ फंक्शन का। लेंथ फंक्शन का करेगा इस फ्रूट्स की लेंथ को रिटर्न कर देगा। तो लेंथ कितनी है अभी इसकी, 0, 1, 2, 3 इसकी लेंथ है, मतलब 4 है वैसे तो, 1, 2, 3, 4, तो 4 इसकी लेंथ है, तो इसकी जो डिस्प्ले आएगा वो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिया फ्रूट्स डॉट पुश, पुश क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड करेगा। तो यहाँ पे लेमन भी ऐड हो जाएगा मैंगो के बाद, ठीक है, ये लेमन ऐड हो जाएगा। फिर इसकी लेंथ हम लोग निकालेंगे, तो इसकी लेंथ यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको मुझे को प्रिंट करना है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू फ्रूट डॉट लेंथ, तो फ्रूट की लेंथ निकाल देगा यहाँ पे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये फ्रूट डॉट लेंथ 5 से रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि फ्रूट डॉट लेंथ में जो है 5 आ जाएगा, क्योंकि फ्रूट की लेंथ जो है 5 है, ठीक है। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से ये यहाँ पे रन करेगा। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रूट्स की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, मतलब फ्रूट्स में i की जो वैल्यू है, तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो फ्रूट्स के 0 पे जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बनाना दिया हुआ, बनाना प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस कर देगा सेम वही उसी फंक्शन के तहत, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा i की वैल्यू, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगी, तो फ्रूट्स पे 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा ऑरेंज। फिर फ्रूट्स पे 2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा एप्पल। फिर फ्रूट्स पे 3 की वैल्यू प्रिंट कर देगा मैंगो। इस तरीके से ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होती जाएंगी। ये मेरा स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा, बॉडी बंद हो जाएगी, एचटीएमएल बंद हो जाएगी। दोस्तों इस प्रोग्राम में मैंने
लेंथ नाम के फंक्शन को यूज़ किया है, पुश को यूज़ किया है, ठीक है, और इंडेक्स को यूज़ किया है। तो इस तरीके से बाकी फंक्शंस को भी आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। दोस्तों ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, यहाँ पे देखिए वही वी आर फ्रूट्स लिया हुआ है, सेम एज इट इज़ वही प्रोग्राम है। मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आके ओपन किया तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 4 and 5। 4 and 5 आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में जितने एलिमेंट्स थे 4 थे, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। फिर उसकी आपने लेंथ को प्रिंट किया था तो यहाँ पे 4 इसकी लेंथ प्रिंट हो गई। फिर आपने क्या किया, एक आइटम को पुश किया, लेमन भी डाल दिया तो मैंगो के आगे लेमन भी आपका ऐड हो गया था। फिर आपने उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया तो लेंथ उसकी बढ़ गई, 5 हो गई। फिर आपने यहाँ पर वाइल लूप से उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4 में फ्रूट्स डॉट, तो फ्रूट्स की 0 पोजीशन पे जो है बनाना है तो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो एंड लेमन, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों अरेज़ को ख़त्म करने से पहले मैं उसका सिंटैक्स भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। देखिए सिंटैक्स क्या होता है, जब भी आप अरेज़ को डिक्लेयर करते हैं तो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे आते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जब अपन ने यूज़ किया था पहले भी तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगाए थे, यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लेना है आपको। तो जब भी आप अरेज़ को डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ता हूँ मैं अगले टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इवेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी हम अपने ब्राउज़र के ऊपर परफॉर्म करते हैं, या तो मैं माउस क्लिक करता हूँ, या मैं पेज को लोड करता हूँ, या मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, या मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक करता हूँ, ऐसा कुछ भी मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी एक्टिविटी में अगर कीबोर्ड से या माउस से ब्राउज़र के ऊपर परफॉर्म करता हूँ तो मेरा इवेंट कहलाती है, ठीक है। अब ये इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पेज लोड हो गया है ना, बटन को क्लिक करना हो गया है ना, फील्ड को चेंज करना हो गया टैब से या फिर इंटर से है ना। आप अपना जो है जब आप अपने टैब से अपने फील्ड को चेंज किया तो फोकस चेंज हो गया, या माउस को आप कहीं लेके गए तो एच ओवर हो गया, तो ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। अब दोस्तों अब इन इवेंट्स पर होता क्या है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इन इवेंट्स को पता लगाता है कि कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ, ठीक है, कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ, और फिर ये देखता है क्या उस कोई उस इवेंट के साथ क्या उस इवेंट के साथ कोई आपने कोड दिया हुआ है क्या। अगर वो कोड आपने वहाँ पे दिया होता है तो वो कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे आपने किया माउस क्लिक, अब माउस क्लिक पे आपने दिया हुआ है कि फॉन्ट बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए या ब्रेक हो जाए या कुछ भी इस तरह का कुछ भी आपने कोडिंग वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, या कुछ डिस्प्ले हो जाए, तो जब भी आप माउस क्लिक करोगे तो जावास्क्रिप्ट पहले देखेगा कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ, उस इवेंट के अनुसार उस कोड को चला देगा या एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसमें इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो माउस इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, फॉर्म इवेंट्स होते हैं, फ्रेम इवेंट्स होते हैं। मतलब जो हम माउस से परफॉर्म करते हैं वो हमारे माउस इवेंट्स, जो हम कीबोर्ड से परफॉर्म करते हैं वो हम कीबोर्ड इवेंट्स, जो हम फॉर्म पे परफॉर्म करते हैं वो फॉर्म इवेंट्स, और जो हम फ्रेम पे परफॉर्म करते हैं वो फ्रेम इवेंट्स। अब फ्रेम क्या होता है दोस्तों, तो मैं एचटीएमएल में फॉर्म और फ्रेम सबको दोनों ही बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देखिए तो आपको फॉर्म और फ्रेम समझ में आ जाएगा। तो जो भी एक्टिविटी अगर मैं माउस से परफॉर्म करता हूँ तो वो माउस इवेंट कहलाती है, अगर मैं कीबोर्ड से परफॉर्म करता हूँ कीबोर्ड इवेंट कहलाती है, अगर मैं फॉर्म पे कोई एक्टिविटी करता हूँ तो वो फॉर्म इवेंट कहलाती है, और मैं फ्रेम पे कोई एक्टिविटी करता हूँ तो फ्रेम इवेंट्स कहलाती है। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब माउस इवेंट्स मेन कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑन क्लिक हो गया, मतलब मैं माउस को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ऑन डबल क्लिक हो गया, अगर मैं माउस को डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ऑन माउस अप हो गया, अगर मैं डाउन करके अप करूँगा, माउस डाउन हो गया सॉरी, तो मैं अगर क्लिक प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मैं क्लिक को छोड़ूंगा तो क्या होगा, मैं माउस उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, या मैं माउस को मूव करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं माउस को उस एरिया से बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, मैं माउस को मूव करूंगा तो क्या होगा, मैं अगर कीबोर्ड इवेंट्स कौन से होते हैं, अगर मैं की डाउन करूंगा, मतलब की को मैंने प्रेस किया तो क्या होगा, की डाउन किया तो मैं की को रिलीज़ करूंगा, मतलब मैंने की प्रेस करके रिलीज़ करी तो क्या होगा, ठीक है, कि अप में क्या होगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कीबोर्ड इवेंट्स हैं और ये माउस इवेंट्स हैं, सभी हम ब्राउज़र के ऊपर परफॉर्म करते हैं। मैं माउस का यूज़ भी करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, कीबोर्ड का यूज़ भी करता हूँ। तो इन इवेंट्स से हम ये बताएंगे कि ब्राउज़र को करना क्या है, जावास्क्रिप्ट को करना क्या है। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म इवेंट्स आ गए कि ब्लर होने पे क्या होगा, अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करी है तो क्या होगा, अगर आप कहीं पे टैब से आपने कर्सर को ट्रांसफ़र किया है तो क्या होगा, अगर आपने उसको रीसेट किया है फॉर्म को तो क्या होगा, अगर आपने किसी फील्ड को सिलेक्ट किया है तो क्या होगा, अगर आपने सबमिट बटन प्रेस किया है तो क्या होगा। ये हमारे फॉर्म के इवेंट्स होते हैं। अब इसमें फ्रेम के इवेंट्स भी हो गए कि आपने अगर आपने एबॉर्ट कर दिया है फ्रेम को लोड होते हुए तो क्या होगा, अगर एरर आ जाती है तो क्या होगा, अगर फ्रेम लोड होता है तो क्या होगा, अगर फ्रेम का आपने साइज़ चेंज किया तो क्या होगा, फ्रेम को आपको स्क्रॉल डाउन किया तो क्या होगा, अगर आपने फ्रेम को अनलोड किया या डॉक्यूमेंट को अनलोड किया तो क्या होगा। तो सारे हमारे फ्रेम के इवेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये सभी इवेंट्स तो मैं नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो मैं बता सकता हूँ वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। चलिए मैं आता हूँ एग्जांपल के अंदर, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है माई फंक्शन, और माई फंक्शन के अंदर लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, और मैंने ये फंक्शन को एंड कर दिया है। मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हो गई है, हेड भी यहाँ पे एंड हो गया है। बॉडी सेक्शन आ गया, बॉडी सेक्शन में मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लिक द बटन टू ट्रिगर द फंक्शन, और मैंने यहाँ पे लिखा बटन ऑन क्लिक। तो दोस्तों बटन ऑन क्लिक का मतलब हो गया कि जो मैंने बटन लिया हुआ है वो क्लिक, ये ऑन क्लिक मेरा इवेंट हो गया। तो इवेंट पे क्या कॉल हो जाएगा, माय फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब जैसे मैं माउस का बटन प्रेस करूँगा ये माय फंक्शन बटन, ये माय फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा, ये माय फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा, और जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है कंपाइल कर देगा और वापस रिटर्न यहीं पर आ जाएगा क्लिक के ऊपर। तो चलिए मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, सेम वही एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिया हुआ है और माय फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से रन होगा। मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, अब देखिए ओपन पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द बटन टू ट्रिगर ए फंक्शन, है ना, और यहाँ पे क्लिक में एक बटन बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया। ठीक है, इसका मतलब मैंने जब क्लिक किया तो कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, माय फंक्शन कॉल हो गया। मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वापस से पेज वही आ गया, वापस से क्लिक में आ गया। वापस मैं इस माउस को यहाँ पे लेके जाता हूँ और क्लिक में पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वापस से हेलो वर्ल्ड आ जाता है। दोस्तों ये मेरा था ऑन क्लिक फंक्शन की क्लिक करने पर क्या होगा। चलिए लौटते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है अलर्ट। तो वैसे तो अलर्ट आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि एक मैसेज बॉक्स होता है जो मैसेज प्रिंट कर देता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये एक पॉपअप बॉक्स होता है, एक मैसेज बॉक्स होता है जो कि आपको एक जिस किसी भी इवेंट के दौरान आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑन क्लिक पर दे सकते हो, ऑन लोड पे, ऑन अनलोड पे, या कभी भी आपको मैसेज देना हो तो आप अलर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बटन क्लिक पर लिया हुआ है, बटन क्लिक पर मैंने माई फंक्शन लिया हुआ है, ये माय फंक्शन कॉल हो रहा है बटन क्लिक के ऊपर। अभी माय फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, माय फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेट हाई लिखा हुआ है तो हाई प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ है तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, हेलो आई एम एन अलर्ट बॉक्स। ये आपकी स्क्रिप्ट क्लोज हुई, ये आपकी बॉडी क्लोज हुई, ये आपकी एचटीएमएल क्लोज हुई। मैं इसको आपको अभी रन करके बताऊँगा। दोस्तों अगला टॉपिक जो है मेरा वो प्रॉम्प्ट है, सेम प्रॉम्प्ट भी यही करेगा। प्रॉम्प्ट एक्चुअली करता क्या है, मैसेज के साथ साथ आपसे वैल्यू भी इनपुट करवा लेता है। अगर आपको वैल्यू किसी चीज़ की इनपुट लेनी हो तो आप प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये भी इवेंट के ऊपर ही चलते हैं, या फिर आप अलग से चाहो तो अलग से भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक पे माय फंक्शन कॉल किया है, अब माय फंक्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है, वी ए आर पर्सन, है ना, वी आर पर्सन इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिया हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवा रहे हो इसलिए यहाँ पे वी आर पर्सन ले रहे हो। जो वैल्यू आप इनपुट करवाओगे वो इस पर्सन के अंदर आ जाएगी। आपने प्रॉम्प्ट लिया हुआ है प्लीज़ इंटर यूर नेम, तो मैसेज आ जाएगा प्लीज़ इंटर यूर नेम, वहाँ पे हैरी पॉटर टाइप किया हुआ आ जाएगा। अगर आपको अपना नाम डालना हो तो आप वहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो, जो नाम आप डालोगे वो नाम पर्सन के अंदर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया हुआ डॉक्यूमेंट डॉट रेट हेलो पर्सन को मैंने ज्वाइन कर दिया, हाउ आर यू टूडे। तो दोस्तों चलिए मैं इसको रन करके बताता हूँ, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगला जो टॉपिक है वो है कंफर्म। तो दोस्तों कंफर्म एक कंफर्मेशन बॉक्स है, ये भी एक मैसेज बॉक्स की तरह काम करता है। आप कोई भी मैसेज देके कोई कंफर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप कंफर्म बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं इसको रन करके बताता हूँ तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे अलर्ट का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, जो अलर्ट का प्रोग्राम वहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। यहाँ पे बटन क्लिक पे मैंने माय फंक्शन कॉल किया है, माय फंक्शन यहाँ पे एक अलर्ट को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अपन इसको देख लेते हैं किस तरह से रन होता है।
ये अपना अलर्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैंने आया और मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे आ गया है ट्राई द बटन एंड डिस्प्ले अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे ट्राई इट लिखा हुआ है, इसके मैंने क्लिक इवेंट में दिया हुआ है, मैं क्लिक किया इसको तो देखिए यहाँ पे आ गया अलर्ट IMN अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलर्ट बॉक्सेस हैं, इस तरीके से अलर्ट बॉक्सेस काम करते हैं, आप कहीं पे भी अलर्ट बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो किसी भी इवेंट के अंदर। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, वैल्यूज़ को आपकी इनपुट लेता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ इंटर योर नेम, सेम वही प्रोग्राम है एज इट इज़, मैंने टाइप कर दिया है, मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट पे गया, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे देखिए ट्राई इट लिखा हुआ है, इसके मैंने ऑन क्लिक फंक्शन पे लिया हुआ है प्रॉम्प्ट आपका। देखिए यहाँ पे आ गया प्रॉम्प्ट, प्लीज़ इंटर योर नेम, यहाँ पे हैरी पॉटर लिखा हुआ है, यह चाहूँ तो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पीयूष लिखा और यहाँ पे मैंने ओके किया, देखिए यहाँ पे हेलो पीयूष हाउ आर यू टुडे, तो इस तरीके से आप आ गया। तो यहाँ पे आपको जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर इनपुट का यूज़ करना हो तो आप प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जो फाइनल टॉपिक है वो है कन्फर्म, कन्फर्म को भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये कन्फर्म बॉक्स है, आपको कन्फर्म मैसेज देगा। तो यहाँ पे माई फंक्शन पे कन्फर्म बटन प्रेस है बटन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये बटन क्लिक पे फंक्शन को कॉल किया है मैंने। तो चलिए मैं इसको भी रंग करके बता देता हूँ आपको, कन्फर्म बॉक्स को यहाँ पे मैंने लिया, इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे भी सेम बटन बनी हुई है, यहाँ पे मैंने क्लिक भी किया तो देखिए यहाँ पे प्रेस है बटन आ गया है, ठीक है, ओके या कैंसिल, तो आप कन्फर्म का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये थे मेरे अलर्ट प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, तो दोस्तों मैं अब यहीं पर विराम लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।